सच में तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी बाइक बिक रही है? सच में यार तू जा रही है मुझसे दूर, सच में जा रही है मुझसे दूर। ये रे पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके, गाइस बंदे ने पेमेंट वगैरह कर दी, ठीक है बंदे को कॉल करूंगा मैं, कोर्ट आ जाना ठीक है, थैंक यू बाय बाय। अपनी बाइक चली गई। तो सोबिया कैसा फील हो रहा है? आज का दिन मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, आज यकीन नहीं हो रहा है मैंने अपनी चमक छल्लो को खुद से दूर कर लिया। इस आज अपनी बाइक जाने वाली है, इतने दिन से बात चल रही थी बाइक बेचनी है बेचनी है, एंड आज फाइनली भाई वो दिन आ गया, आज बंदा बाइक लेके चले जाएगा। कल का व्लॉग आप सबने देखा होगा, उसने बाइक कल ही लेनी थी बट उसके पास पूरी पेमेंट नहीं थी, उसने कहा मैं पापा के साथ कल लाऊंगा एंड कल बाइक लेके जाऊंगा। तो गाइस आज जा रहा हूँ मैं बाइक लेके, एंड सीरियसली भाई बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। इंशाल्लाह जल्दी सब ठीक हो जाएगा आपके प्यार से आपके सपोर्ट से। बहुत कुछ बोलना है बट नहीं बोलूंगा यार, अभी निकलते हैं। एक ही बात बोलना चाहूंगा सबको, जिसने भी मुझे सपोर्ट किया ना, दिल से थैंक यू सो मच आप सबको। गाइस गले में ना बहुत ज्यादा दर्द है, मैंने कल के व्लॉग में भी बोला था, मतलब मुझे ना बात भी नहीं करने आ रही है। तो मेडिसिन भी खाई यार, आराम नहीं हुआ बट देखते हैं क्या सीन रहता है। जो चीज़ें मैंने बाइक से रिमूव करी थी मुझे वो भी लेके जानी थी, बट इतना सारा मैं लेके नहीं जाऊँगा, मैं उसको बाइक दूंगा फिर उसके साथ घर आऊँगा एंड सारा सामान उसको दूंगा। फिर लो गाइस ये सारा सामान है, एंड अभी अंदर मिरर भी पड़े हुए हैं वो भी देने हैं। अभी कैसा फील हो रहा है ना ये मैं समझ सकता हूँ, फिर इतनी सारी बातें होती है ना लेकिन आज कुछ भी बोलने नहीं आ रहा है, मतलब एकदम ना मुंह पे ताला लग गया है यार। एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि जिस टाइम मैंने उसको बाइक देनी है ना उसके बाद मैंने घर वापस कैसे आना है, तब ये सोच के रोना आ रहा है। ज्यादा बातें करूंगा ना तो ज्यादा हर्ट हो जाऊंगा। चलो निकलते हैं। बस देख लो मेरी चमक छल्लो को, आज के बाद तो आपको ये नहीं दिखने वाली मेरे पास, आज कुछ भी बात नहीं निकल रही है मुंह से, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है यार। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच में मैं अपनी बाइक आज बेच रहा हूँ यार, भरोसा ही नहीं हो रहा है यार। जब बाइक ले लेगा वो लड़का तो मैं वापिस कैसे आऊंगा यार घर। बहुत याद आएगी यार अपनी बाइक की मुझे, सच में भाई बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इसके साथ, आज मैं जो भी हूँ ना इसकी वजह से हूँ भाई। जब मैंने ये ली थी उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरा जो पहला व्लॉग था ना वो इसी पे बना था। आज भाई मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, दिल से जुड़ी हुई थी ये बाइक मेरे साथ, बोलते ना मजबूरी कुछ भी करवाती है यार, एंड वही सीन मेरे साथ भी हुआ। मुझे उम्मीद है सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा आपके सपोर्ट की वजह से। आज मैं सोबिया को पिक करने नहीं जाऊंगा, मैंने उसको कॉल करके बुला लिया, मैंने उसको बोला कि स्कूटी लेके आ जा, क्योंकि जब मैं बाइक उस लड़के को दूंगा फिर हम स्कूटी पे ही वापस जाएंगे। बाइक की थोड़ी बहुत सर्विस थी वो मैंने सुबह करवा ली थी आनंद भाई से, इस बाइक का सामान है जो रिमूव किया हुआ है वो मैं उसको आज शाम को या कल दे दूंगा। कल रात को मुझे नींद भी नहीं आई, मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कल मेरी बाइक मेरे से दूर चली जाएगी, मेरे से दूर चली जाएगी। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई कौन सी बाइक ले रहे हो ये वाली बेच के, भाई मैं बाइक लेने के लिए ये वाली बाइक नहीं बेच रहा हूँ, मुझे कुछ मजबूरी है इसलिए मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ। मैंने दूसरी बाइक लेनी होती तो फिर मैं इसको कभी सेल नहीं करता। मैं आ गया पार्क के पास, बाइक यहाँ पे लगा दी, अभी करते हैं सोबिया का वेट, सोबिया जैसी आती है एंड उसके बाद हम निकलेंगे। भाई क्यों चेहरा लटकाया हुआ है, क्या मसला है? ओ जरा 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 इधर देखो, इधर इधर मेरी साइड। गाइस चेक कर रहे हो हेयर स्टाइल, चेक कर रहे हो कितने पैसे फूक के आए इस हेयर स्टाइल में आप। वैसे गाइस प्यारा लग रहा है, आप भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ही करते हैं, निकलते हैं भाई, अपनी बाइक देने जा रहे हैं। बाइक दे नहीं दे तू क्या क्या बोलती हो? बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है यार। आज बहुत टाइम के बाद सुबह स्कूटी लेके आई है तो आज सुबह के साथ राइड करेंगे, लास्ट टाइम रेस कर लो, कल से अपने पास बाइक नहीं होगी। तो रुक क्यों गए थे? ऐसे कौन, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जब ये अकेली होती है ना 5 की स्पीड से चलती है, एंड जब मैं पीछे बैठता हूँ ना तब भी इतनी फास्ट चलती है ना, सीरियसली क्या बताऊँ मैं। सोफिया देख लो इस लाइन से आगे क्यों जा रही हो, पीछे चलो 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 पीछे, वाइट लगी इनसे पीछे पीछे पीछे, रेस लगा रही हो मेरे साथ, चलो फिर लगा लेते हैं। चलो गाइस हम लोकेशन पे पहुंच गए जहां पे बंदे ने आने के लिए बोला था, अब करते हैं उसका वेट, जैसा वो आता उसके बाद आपसे मिलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है फोराबेट, जहां पे आप गेम खेल के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। फोराबेट में एक गेम है जिसका नाम है एविएटर, जहां पे आप प्लेन उड़ा के पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 1000 रुपए लगा लिए हैं, तो ये जा रहा है मेरा प्लेन ऊपर ऊपर ऊपर। यस मैं जीत गया यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट। एक बार मैं आपको और बताता हूँ, इस बार लगाऊंगा मैं यहाँ पे 8000 रुपए। जा रहा मेरा प्लान ऊपर 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 ऊपर। यस इस बार कमाए मैंने 8000 से दुगने। वाओ गाइस एक बात आपको और बताऊं, जिस फोन से अभी मैं बैटिंग लगा रहा हूं ये फोन भी मैंने फोराबेट की अर्निंग से लिया है। ये सब जितना भी पैसा यहां पे जीतोगे ना उसको इजीली आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक में, पेटीएम में, यूपीआई में। गाइस देर किस बात की, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो।
गाइस आए थे हम यहाँ पे, लेकिन भाई उसकी कॉल आई, वो बोल रहा है जहाँ पे कल मिले थे भगवती नगर पुल के पास वहाँ पे आ जाओ, तो अभी हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चलो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, निकलते हैं। सोबिया कट कैसे मारती है चेक करो। ओ शिट रो भाई, गाइस गिरते गिरते बचाओ। शिट ऐसे हुई बाइक, पूरी बाइक ऐसे हुई, पता नहीं क्या हुआ। मान लो गिरते गिरते बचाओ, यार आराम से चल रहा था, खुद नहीं पता चला मुझे क्या हुआ। गाइस मुझे ना पसीना चलने लगा भाई, थैंक गॉड बच गया। पूरी बाइक ऐसे हुई यार, यहाँ पे बच गया, थैंक गॉड। मेरे को शिवरिंग हो रही है सीरियसली, आराम से चल रहा था भाई। अंकल देखो कैसे देख रहा है सोबिया को, चेक करो गाइस, ये सोबिया के सींग देख रहा है अंकल। सोबिया ने देखा अंकल उधर हो गया। एक तो आजकल ना दिन खत्म होने का पता नहीं चलता है भाई, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, मतलब बहुत छोटे दिन होते हैं आजकल। सोबिया पता नहीं कितना स्लो चल रही है यार, वेट करते हैं उसका, वो आती है फिर यहाँ से आगे चलते हैं। चलो मैम, गाइस सेम लोकेशन पे आगे हम, बस अब उनका वेट करते हैं भाई, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, जल्दी आ जाते तो सही रहता। तुम तो हैवी ड्राइवर बन गई हो भाई, क्या गाइस हम अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करवाने वाले थे, क्या क्या बातें याद आ रही हैं तुम्हें बता भी नहीं सकता यार। जब से बेचने की बात की है ना बाइक को, तब से इसको ज्यादा ही प्यार आ रहा है बाइक पे। तुम क्यों रोने वाला मुंह बना रही हो यार, बोला ना और बाइक्स ले लेंगे यार, सब ठीक हो जाएगा। देखो यार कितनी सैड हो गई है ये, सच में तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी बाइक बिक रही है, सच में जा रही है मुझसे दूर यार। हाँ अब जितनी चलानी थी चला ली, अब ये हमारी बाइक नहीं, अब ये किसी की बाइक है। ओके मैम बस करो यार, रोने वाला क्या है इसमें। तो भाई क्या हालचाल, बढ़िया अच्छे से रेडी हो फिर आज बाइक लेने के लिए? आप तो बहुत हैप्पी हो, लेकिन भाई मेरे दिल में ना छुरियां चल रही हैं। चलो कोई नहीं यार, मेरे पास से आपके पास एक ही बात है, तो पापा नहीं आए आपके फीलिंग्स यार, मतलब आपको पता है अच्छा पापा क्यों नहीं आए, वो ड्यूटी। चलो कोई चक्कर नहीं, तो बाइक का देखो डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन रहेगा ना, नहीं ये वाले डॉक्यूमेंट तुम ले लो, आरसी वगैरह ले लो, लेकिन जो है ना एफिडेविट वगैरह वो हम करेंगे मंडे को, ठीक है? हाँ आपके बिना कोई और होता, मैं ऐसे बाइक देता नहीं एफिडेविट के बिना, आपको जानता हूँ। तो आज कल तो संडे, परसों मंडे को पेमेंट हाँ कर दो, कोई चक्कर नहीं। ये रे पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके, और ये आगे पीछे वाली नंबर प्लेट, और ये आरसी वगैरह सारा कुछ, इंश्योरेंस वगैरह आप चेक कर लो, कोई चक्कर नहीं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस मंडे को जब मैं बुलाऊंगा कोर्ट आना है, क्या होगा ना ट्रस्ट वगैरह का जो भी काम होगा वो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उस दिन आप पापा को साथ लेके आना, उस दिन आना पड़ेगा पापा को लेके, ठीक है? हाँ अकाउंट नंबर मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, ठीक है? मैंने पेमेंट वगैरह कर दी, एंड भाई बता दूंगा आपको लास्ट में मैं कितने की बिकी मेरी बाइक। एंड ये भाई जैसे थे यार, इनको ज़्यादा मतलब महंगी मैंने नहीं दी, अच्छे प्राइस सही मिली ना बाइक पक्का। तो ठीक है अब रहता हमारा डॉक्यूमेंट्स का काम, वो हम कर देंगे मंडे को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट राइड है आज, लास्ट राइड, बाय बाय। बहुत बुरा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ आपको। ओ भाई साहब लास्ट राइड, क्रेजी राइड। तो फाइनली जाने वाली अपनी चमक, चलो अपने से दूर, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा अभी भी यार देने का। तो चाबी वगैरह लगी हुई है, तो ठीक है जाओ। ओके थैंक यू। ओके तो ठीक है, बंडे को कॉल करूंगा मैं, कोर्ट आ जाना, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। ये भाई, ये वाले भाई ले लेंगे, चल ठीक है फिर, बाय ब्रो। ओके तो सोबिया कैसा फील हो रहा है? हाँ सीरियसली गाइस मेरा मूड ना अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड मैं बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, एंड सच में गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं बाइक लेके आया था, एंड भाई अभी मेरे पास बाइक नहीं है। सच में अभी जो मैं फील कर रहा हूँ ना, बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब तो सच में रोना आ रहा है भाई। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बता मैं कैसे जा रहा हूँ, एंड घर में जाके जो मेरी हालत होने वाली ना वो बहुत ख़राब होने वाली है। बट कुछ नहीं कर सकते यार, मजबूरी में ना बंदा कुछ भी कर लेता है। खैर कोई बात नहीं, बस गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा जितना हो सकेगा सपोर्ट करना, प्यार दिखाना। गाइस अभी निकलते हैं, सोबिया को करते घर पर ड्रॉप, एंड आज मैं इसकी स्कूटी लेके जाने वाला हूँ अपने घर। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं
नहीं कर रहा स्कूटी चलाने का। हाँ पता है आपको मुझसे ना बातें नहीं निकल रही हैं यार, मुझे कुछ भी नहीं बोलने आ रहा है। तो भैया प्लीज आराम से चलाना, आराम से चल लो यार, डर लग रहा है मुझे पहले ही। वो दिन आ ही गया जब मैंने फाइनली अपनी बाइक दे दी, एंड अभी मैं और सोबिया आए एक अलग सी लोकेशन पे, एक शांत सी लोकेशन पे आए। मैंने सोचा कुछ बातें कर लूँ आपसे, सपोर्ट कर जितना सपोर्ट कर सकते हो ना भाई करना यार, इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि मैं बहुत जल्दी एक नई बाइक ले लूँ। आज का दिन मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, आज यकीन नहीं हो रहा है मैंने अपनी चमक छल्लो को खुद से दूर कर लिया। एंड सच में यार मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है मैं घर कैसे वापस जाऊं यार। आई मीन तुम हमेशा बोलते रहते थे ना तुमसे ज्यादा प्यारी है मुझे चमक छल्लो, बट तुमने उसको भी दे दिया यार। और सीरियसली ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा फील हो रहा है। But